मेरठ के मेडिकल कॉलेज में इस वक्त बीमारदार और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये परेशानी किसी और ने नहीं बल्कि बिजली विभाग ने पैदा की है। यहाँ डॉक्टर अब मरीजों को अंधेरे में देख रहे हैं, अंधेरे में ही दवाइयाँ वितरण की जा रही हैं। दरअसल मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की लाइट काट दी गई है। भारी भरकम बिजली विभाग का बिल बकाया था, जो कि बार बार नोटिफिकेशन के बाद भी चुकाया नहीं जा रहा था। इसके चलते बिजली विभाग ने लाइट काट दी और लाइट कटने के बाद चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मेडिकल कॉलेज की लाइट काटी गई है, तो किन कारणों से लाइट काटी गई? एक मिनट, थोड़ा आईडी को मिलाकर आपको लाइट आ रहा है, उस तरफ बैठता था मैं। चलो ठीक है। सर, मेडिकल कॉलेज की आज लाइट काटी गई है, किन कारणों से आज लाइट काटी गई और क्या पूरा मामला? सूचनाएं प्राप्त हुई कि आपके माध्यम से कि ऐसा कि मेडिकल कॉलेज की लाइट काटी गई है, इसके संबंध में जो संबंधित डिस्ट्रीब्यूशन से वार्ता की जा रही है, किन कारण से कटा गया है इसका भी जांच चल रही है, और इसके बाद कोई कटा है तो हम इसको तुरंत इसको लाइन जोड़ी जा रही है। अभी ये जांच के बाद ही पता चले किस कारण से कटी हुई है, मगर ऐसा कटा है तो तुरंत हम इसको ये कर रहे हैं। सही। हाँ जी, मेरा नाम सविता सिंह है। अच्छा, मेडिकल में आज आप दवाई लेने आई थी, तो किस तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ी बिना बिजली के? ओके, यहाँ पर सर आज बिजली नहीं आ रही है, सुबह से ही बता रहे हैं, सुबह से ही नहीं आ रही है। लगभग 5-6 बजे से आए हैं, तो यहाँ पर ना तो कोई पर्चा बन पा रहा है, ना ही किसी तरह की फैसिलिटी मिल पा रही है, ना ही पर्चे बने हैं, ना ही कोई नेट का तो काम हो ही नहीं रहा है, जिससे डॉक्टर को सभी को दिक्कत हो रही है। अच्छा, दवाइयाँ भी बिना बिजली के वितरित कर रहे हैं, तो कुछ भूल चूक अगर हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसके? तो यही होने चाहिए, डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन लेंगे तब है ना। ये मोमबत्ती जला रखी है, एक मोमबत्ती और बंद कमरा बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, जिसमें दिखाई नहीं दे रहा। दवाई मिस्टेक भी हो सकती है देने में, तो दवाई दे रहे हैं उसमें देख के गलती भी हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंग्लिश में लिखते हैं, और वो डॉक्टर सब जो बैठे हैं दवाई देने वाले, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। किस तरीके से वो दवाई बांट रहे हैं डॉक्टर? वो मोमबत्ती से देख के ही दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, बस एक मोमबत्ती रखी है ओनली। अब कह रहे हैं लाइट पता नहीं कब तक आएगी, कुछ नहीं पता, उससे बहुत दिक्कत हो रही है मरीज। डॉक्टर साहब, मेडिकल में आप आज दवाई वितरित कर रहे हैं मरीजों को बिना बिजली के, क्या है पूरा मामला? बिजली काट दी गई है, मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है, कैंडल में मरीजों को दवाई दी जा रही है, कोई गड़बड़ हो जाए तो कैसे, कौन जिम्मेदार रहेगा? क्या बिजली विभाग हर बार इसी तरीके से करता है? आज काट दी गई है इन्होंने। क्या वजह है कि बिजली विभाग ने यहां कुछ बताते नहीं है, क्या कुछ समस्या है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कब से दवाई बट रही है और कब से कट रही है? सुबह 8 बजे, आज सुबह 8 बजे काट दी है। दवाई कब से बट रही है? सुबह 8 बजे के बाद कैंडल लेके बैठा हूँ। तो आपने किसी से शिकायत की? डॉक्टर साहब से बोला, उन्होंने कहा कैंडल लेके दवाई बांट दो। कौन